नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। ये जो वीडियोज है हमारे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं, आप चाहो तो हमारे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। हम डे टू डे अपने यूट्यूब चैनल पे अपने लाइव क्लासेस की कुछ सैंपल्स वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, जिसमें नए नए ट्रिक्स, नए नए फॉर्मूलाज और वीवी से रिलेटेड चीजें होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लें और आप मेरे साथ लाइव और इंटरेक्टिव सेशन के जरिए एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लें, तो आप मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें, दो तीन क्लास डेमो लें। अगर डेमो लेने के बाद लगता है कि हाँ, इस तरह से ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। और ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, सुबह के 9 बज गए हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है सम इफ के ऊपर। तो चलिए सीखते हैं सम इफ। तो आपके साथ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, अजय जी, कुलदीप जी और संदीप मकवाना जी, कि सम इफ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट्स है, एक कुछ क्वेश्चंस है वो करने जा रहे हैं। उसको अगर क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं तो वो सम इफ पे आपका अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, जिसकी कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको ये देता हूं, मतलब कि मैं कुछ क्वेश्चंस मैं करके बताऊंगा, कुछ आपको करने हैं, ठीक है। कि जब तक कुछ कुछ पेचीदा सा क्वेश्चंस करेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, मेरे पास डेटा है और इस डेटा में देख लीजिए क्या डेटा, किस चीज का डेटा है। डेटा है नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी एंड डेट्स की, राइट। और हमारे समरी सीट में कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि मैं यहां पे सेलेक्ट करूं नेम, सिटी और ईयर, उसके हिसाब से मुझे यहां पे सम आ जाए, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि मंथ वाइज हमें किसके आ रही है, मंथ वाइज चाहिए, बट डेटा में मेरे पास डेट है, ना ही मंथ है और ना ही ईयर है। तो हमें डेटा किस बार चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, और डेटा के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो कैसे निकाले, तो यहां पे एक छोटा सा त्रिकोण करेंगे कि सबसे पहले तो हम कौनगना ने यहां पे डेट बनाएंगे, स्टार्ट डेट 1 डैश और कॉमन। आपको लोगों प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है। मंथ वाइज चाहिए, पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने कॉनकेटा नेट करने की मदद से हमने स्टार्टिंग डेट बना लिया, हर महीने की स्टार्ट डेट, राइट। अब इस महीने का एंड डेट चाहिए, तो सिंपल सी हम ईओ मंथ, क्योंकि हमने पढ़े थे डेट एंड टाइम फॉर्मूले में, ईओ मंथ लेते हैं और यहां जीरो करते हैं, तो इस महीने की स्टार्ट डेट मुझे दिख जाएगी, राइट। समझ में आ गया सर ये दोनों स्टेप। अब मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला साम इफ्स का, क्योंकि मेरे पास कंडीशन कितने हैं, कंडीशन कई सारे हैं। तो सबसे पहले बोलता है आपका सम रेंज,
कि आप डेटा में जाएं और किसका सम करना, मुझे क्वांटिटी का सम करना है, तो सम ले लिया। फिर आता है क्राइटेरिया वन वे, पहली क्राइटेरिया क्या मैच करनी है, तो मैंने बोला मेरी पहली क्राइटेरिया मैच करनी है वो नेम करना है, तो हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया। फिर आता है क्राइटेरिया क्या है, तो समरी में जो सुनील हमने नाम है उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरी आती है क्राइटेरिया टू, दूसरी क्राइटेरिया क्या है, रेंज क्या है, तो दूसरी क्राइटेरिया रेंज क्या है, सिटी है, तो हम डेटा में जाके हम सिटी के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और क्राइटेरिया में हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं। अब तीसरी क्राइटेरिया डेट की 1 जनवरी से बड़ा और 31 जनवरी से छोटा होना चाहिए, तो हम डेटा पे जाते हैं, सबसे पहले हम डेट को कॉलम को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा समरी पे आते हैं, तो यहां पे चाहिए 31 जनवरी से बड़ा, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू और हमने कॉनकटा नेट लगा दिया, क्या है D8 और फिर वापस हमने डेटा में गए, वापस डेट को सिलेक्ट किया, और कॉमा वापस समरी पे आए और यहां पे दिया मैंने लेस देन इक्वल टू और कॉनकटा नेट कर दिया हमने, डी के बाद क्या होता है E8 और एंटर मारा, वैल्यू आ रही है, मतलब कि हमने कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है। तो सम इफ सी है, डेटा ए समरी B3, तो समरी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डेटा बी बाय वही समरी B4 ओके। यहाँ हाँ E1 हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें सेलेक्ट करना था E/E, दिक्कत ही नहीं। अब एंटर मारी आ गया। अब इस फॉर्मूले में आप लोगों की कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, थोड़ा सा फॉर्मूले समझने की कोशिश करें, अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत दिखाता है तो बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे इस तरह का दिक्कत है। सर शुरू में आपने कॉन्केटिनेट करी थी डेट, वो कैसे करी थी? बेसिकली क्या है कि हमारे पास डेटा के अंदर में सिर्फ एक डेट का कॉलम है और रिपोर्ट हमें चाहिए मंथ वाइज, तो सम इफ में हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकते हैं और हम ग्रेटर देन लेस देन जैसी जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी लगा सकते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, राइट? ठीक है। तो मैंने जैन महीने का स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे कैलकुलेट किया, कैसे कि यहाँ पे जनवरी हमारे पास है और यहाँ पे ईयर 2017 है, तो मैंने यहाँ पे 1-A8 मतलब कि मंथ डैश और B5 मतलब ईयर कर दिया, तो एक डेट बन गया 1 जनवरी, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी महीना 1 तारीख से स्टार्ट होता है, तो हमने 1 के साथ इसको कॉन्केटिनेट कर दिया और ऊपर से ईयर ले लिया, राइट? ठीक। और इस 1 तारीख का लास्ट महीना, क्योंकि लास्ट महीने में दिक्कत होता है, कोई 28 दिन का होता है, कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंड डेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो ईओ मंथ ले लिया और फिर हमने कॉनकटा इसमें क्या किया है कि सी कॉलम का सम लेना है, ए कॉलम में जाके B3 मतलब कि सुनील को सर्च कर मैच करो एंड बी कॉलम में जाके पटना को मैच करो और ई कॉलम में देखो कि ग्रेटर देन D8 मतलब कि 1 जनवरी, और फिर वापस ई कॉलम में ये भी चेक करो कि लेस देन इक्वल टू E8, राइट? अब आपको एवरेज MRP का मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे एवरेज के लिए सम इफ का फॉर्मूला लेता हूं और जहां पे सम इफ है वहां पे जस्ट एवरेज इफ लगा देता हूं, क्योंकि दोनों सेम क्राइटेरिया लेते हैं, सेम चीज करते हैं, तो एवरेज भी हमारा आ गया। अब क्वेश्चन आता है क्या इस तरह से इसको रखना है, हम इसको इसमें वापस मर्ज कर सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और सबसे पहले जो ईओ मंथ है इसमें जाके मैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके पेस्ट कर देता हूं,
राइट। और यहां जहां हमारा यहां D30 में D8 है, जहां D8 है D8 को डिलीट करता हूं और ब्रैकेट में जाके उस D8 के फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूं और फिर वापस ये जो आपका E8 है तो इसको भी कॉपी करता हूं और वापस E8 के फॉर्मूले में जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। E8 के फॉर्मूले में जाके डिलीट करता हूं E8 को, ब्रैकेट में लेता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं। क्लियर है? और फ्रीज फ्रीज करके इसको ड्रैग कर लीजिए। अजय जी या कुलदीप यादव जी और संदीप भगमाना जी, एनी डाउट्स? नो सर। ओके तो 8 क्वेश्चंस मैंने बताया, इसी क्वेश्चंस को रेफरेंस में लेके आपको बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ कि मार्च से अप्रैल, तो मुझे सिटी वाइज क्वांटिटी का सम और एमआरपी का एवरेज चाहिए जो कि इस साल के इस महीने का हो, बिटवीन दिस महीना। क्लियर है क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मैंने यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और इस ईयर के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का टोटल निकालना है आपको सिटी वाइज। और वापस मैं यहाँ पे 2017 और यहाँ पे मैं मार्च सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे इस महीने की वीक वाइज टोटल आनी चाहिए और 2017 सेलेक्ट करूं तो मुझे इसकी मंथ वाइज एमआरपी का एवरेज आना चाहिए। दिस इज द योर 3 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस को रेफरेंस में लेके बाकी के 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ा है तो इसको जरूर आप सॉल्व कर सकते। ये फाइल में आपको मेल कर रहा हूं जी। क्या बोला आपने? क्या बोला सर, मैं सुन नहीं पाया। ये जो वीक वाइज निकालना है इसका लॉजिक थोड़ा सा बताना। वीक फाइव, वीक जो है आपको एक से सात तक, सात से आठ तक, ऐसे आपको मंडे टू फ्राइडे नहीं लेना है, डेट के हिसाब से लेना है। एक मार्च से लेके 7 मार्च तक, 8 मार्च से लेके 14 मार्च तक, ठीक है, फिर 15 से 21 इसी तरह से लेके जाना है। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूं और कल की रिकॉर्डिंग्स मैंने अपनी YouTube पे अपलोड कर दिया है। ड्राइव में आई थिंक गई है या नहीं गई याद नहीं, लेकिन YouTube पे जरूर चला गया है। तो आप YouTube से अपना जो ये है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो भी मैं थोड़ी देर में अपने YouTube पे डाल दूंगा, इसको करके भेजिए और जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं सारे फॉर्मूले भी एक बार रिवीजन कर दीजिए। मंडे को मैं आपका फॉर्मूला खत्म कर दूंगा, ठीक है सर। और सैटरडे की, सैटरडे संडे आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है? ओके सर। तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, एक बार शेड्यूल चेक करके आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। हाँ सर, ले लेंगे। एक बार अपनी शेड्यूल चेक करके मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। मैं किसी और को टाइम नहीं दिया हुआ है, एक बार देख लूं, ठीक है सर। ओके बाय।